नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ अजय शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में भी हम बात करेंगे पप्पू यादव की, क्योंकि पप्पू यादव फिलहाल पुलिस की हिरासत में ही गिरफ्तार किए गए हैं। लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले को लेकर पटना में गहमा गहमी कल रही और इसी दौरान पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया, उसके बाद गांधी मैदान थाने में बिठाया गया और उसके बाद उन्हें मधेपुरा ले जाकर के 11 बजे रात में कोर्ट खुलवाया जाता है और उसके बाद उन्हें वीरपुर जेल में शिफ्ट किया जाता है 12 बजे रात को। हालांकि उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भी डाला जाता है, जिसको लेकर पप्पू यादव ने एक बार फिर से हमला किया है, एक बार फिर से सवाल पूछा है और पप्पू यादव ने एक बार फिर से निशाना साधा है, कह सकते हैं। अब पप्पू यादव के ट्वीट से समझा जा सकता है इस बात को। उन्होंने ट्वीट किया है, सुबह के 9 बजे से रात के 1 बजे तक 16 घंटे से मुझे बैठा कर रखा गया है। मैं शुगर का मरीज हूं, पांव की पूर्व में सर्जरी हुई थी, 1 माह पहले गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई थी। मुझे पूरा आराम करने की सलाह डॉक्टरों द्वारा दिए गए हैं। मेरे सारे सहयोगियों ने एक दाना पानी तक नहीं पिया है। ये ट्वीट जो है पप्पू यादव का है, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। तो वहीं एक और ट्वीट है, इसमें लिखा गया है कि मैं कोविड निगेटिव हूं तो फिर मुझे क्वारंटीन सेंटर वीरपुर क्यों भेजा गया है? क्या मुझे कोरोना पॉजिटिव कर मेरे सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि बहुत आपात स्थिति ना हो तो किसी को गिरफ्तार ना किया जाए, किसी को जेल ना भेजा जाए, तो फिर मुझ पर ये जुल्म क्यों किया जा रहा है? ये दोनों ट्वीट आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, एक के बाद एक हमने आपको पढ़कर सुनाया। ये पप्पू यादव के ट्वीट हैं जो रात में किए गए हैं। रात के हालात का उन्होंने ब्रीफ तरीके से समझा दिया है कि किस प्रकार के हालात रहे होंगे रात में, जब पुलिस उन्हें लेकर गई। रात के 1 बजे तक गहमा गहमी रही पप्पू यादव के सहयोगियों ने, और ना ही उन्होंने दाना पानी ग्रहण किया, कुछ भी नहीं खाया और 1 बजे रात तक उन्हें बैठा कर रखा गया। कल दिन भर पटना में भी बैठे रहे पप्पू यादव और उन्होंने ट्वीट किया है इस दौरान और पूछा है कि क्वारंटाइन सेंटर क्यों मुझे भेजा गया है वीरपुर के, जबकि मेरी रिपोर्ट जो है कोरोना की वो निगेटिव आई हुई है। ऐसे में सेहत के साथ क्या ये खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है पप्पू यादव के, उन्होंने पूछा है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि उनके सहयोगियों ने और उन्होंने खुद भी दाना पानी तक नहीं लिया था। ये रात का ट्वीट है पप्पू यादव ने, करीब करीब 4 या 6 घंटे पहले ये दोनों ट्वीट किए हैं, एक 4 घंटे और एक 6 घंटे पहले ट्वीट आता है उनका। और ऐसे में पप्पू यादव ने पूछा है कि क्या आप हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करने का क्या यही नतीजा होता है? अब पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर आपने देखा कि बिहार की सियासत भी गर्म रही, ना सिर्फ विपक्ष ने बल्कि सरकार के सहयोगियों ने भी इस कार्रवाई की आलोचना की। मुकेश सहनी ने भी बोला, जीतनराम मांझी ने भी बोला और जितने भी राजनीतिक दलों के नेता थे लगभग उन सभी ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। तेज प्रताप यादव ने भी हालांकि ट्वीट किया, बाद में उन्हें ट्वीट डिलीट करना पड़ा, पता नहीं किस कारण से, लेकिन पप्पू यादव का समर्थन कल हर ओर से मिलता हुआ दिखाई दिया। और यही कारण है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या यह फिलहाल जरूरी था, ये इतना जरूरी था कि लोगों की सुरक्षा को छोड़कर आप पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लेते हैं? खैर, लेकिन फिलहाल पप्पू यादव ने सरकार से फिर सवाल पूछा है, पुलिस विभाग से सवाल पूछा है कि आखिर इस प्रकार की जाति क्यों की जा रही है, उनका जुर्म क्या है, उनका गुनाह क्या है। आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।